प्रहलाद पटेल के ससुराल में खुशी, मंत्री बनने पर ससुराल में मना जश्न। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में मिली कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी। माधवगंज पर उनके समर्थकों और भाजपा का कार्यकर्ता पदाधिकारी उन्हें मनाया जश्न। विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं पर काबिज भाजपा विधायकों को मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह। विदिशा के दामाद हैं प्रहलाद पटेल। विदिशा के दामाद पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जो नरसिंहपुर से विधायक के रूप में चुने गए हैं, को मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद विदिशा में उनके समर्थकों द्वारा जश्न मनाया गया है। माधवगंज पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष संदीप डोंगर सिंह और उनके अन्य साथियों के साथ साथ भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने माधवगंज पर ढोल नगाड़ों के बीच आतिशबाजी चलाई और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। जिला उपाध्यक्ष संदीप डोंगर सिंह ने कहा कि विदिशा से प्रहलाद पटेल का सीधा जुड़ाव रहा है। विदिशा के दामाद होने के साथ वह सभी के बीच जाना पहचाना चेहरा है। जिले में भी उनके मंत्री बनने के बाद सभी को लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। आज वाकई बड़े खुशी की बात है कि हमारे प्रहलाद पटेल जी मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और लोगों की बड़ी उम्मीद थी और बड़ा विश्वास था। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का सभी संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी का धन्यवाद देता हूँ। और आज जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी उनके शुभचिंतक हमारे बीच खड़े हैं और मिठाइयाँ और पटाखे चलाकर खुशियाँ मना रहे हैं। मेरी ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विदिशा के विकास में क्या उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा? विदिशा का मैं ये कह सकता हूँ, वो यहाँ के एक तो जेई भी हैं और सभी लोगों से बहुत नज़दीक से जुड़े हैं और ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जो उनसे परिचित ना हो। जब भी वो यहाँ आते हैं, हमेशा किसी के घर बैठना, किसी के मिलना या कोई भी काम होता है, वो हमेशा सहयोग करते रहें और हमें उम्मीद है उनका सहयोग और उनका आशीर्वाद सदैव विदिशा को मिलता रहेगा।